जिन्होंने कभी अभिनय में निभाया था रावण का किरदार, असल जिंदगी में थे वे राम भक्त। जी हाँ, रामायण के पात्र रावण के किरदार का जिक्र जहाँ कहीं भी होता है तो सबसे पहले हमारे जहन में जो पहला चेहरा आता है वो होता है अरविंद त्रिवेदी का। अरविंद त्रिवेदी को उनके फैंस लंकेशपति, लंकाधिपति और रावण आदि के नामों से जानते थे। अरविंद त्रिवेदी ने जितनी सहजता से रावण के किरदार को निभाया, शायद ही दूसरा कोई और उतने अच्छे से इस किरदार को निभा पाता। नमस्कार, मैं मलिक पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 28। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी थे कौन, उनकी एक्टिंग करियर की शुरुआत कहां से हुई और उन्होंने किन किन उपलब्धियों को हासिल किया। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में अरविंद त्रिवेदी के जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण और रोमांचक तथ्यों को। अरविंद त्रिवेदी का जन्म 8 नवंबर 1937 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। उनका बचपन तो उज्जैन में बीता, उसके बाद वो गुजरात में रहे, लेकिन 12वीं के कक्षा की पढ़ाई उन्होंने मुंबई से पूरी की। अरविंद त्रिवेदी एक्टिंग के काफ़ी शौकीन थे। जब शाम होता तो वो रामलीला देखने के लिए हर रोज़ जाया करते थे।